दिया है। अभी मैं आमेर जा रही हूँ। वैसे तो जयपुर में बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, पर आमेर की बात कुछ और है। हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट, जो जयपुर से 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अभी हम पिंक सिटी का गेट क्रॉस करके आमेर की तरफ जाएंगे। पिंक सिटी का गेट अभी पास में ही है। आमेर फोर्ट यहाँ से 11 किलोमीटर पे हर मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये है जयपुर का आमेर फोर्ट। बसने से स्टार्टिंग में मीणा जनजाति के लोग रहते थे, जिन्हें कछवाहा राजपूतों ने अपने अधीन किया। और कछवाहा राजपूत जो थे भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशज थे, जो कुशवाहा से कालांतर में कछवाहा हो गए। आमेर फोर्ट को राजा मान सिंह ने बनाया था। राजा मान सिंह ने स्टार्ट किया और राजा जय सिंह ने इसको कंप्लीट किया। कम से कम 100 हैं बनाने में। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो मीटिंग कंबोडिया में हुई थी, आमेर फोर्ट को यूनेस्को में स्थान दिया गया है, जिसमें राजस्थान के 5 और इस तरह के फोर्ट है और इसमें आमेर भी है। पूरा रेड सैंडस्टोन और संगमरमर से बना हुआ यह आमेर फोर्ट है, जिसकी बाउंड्री 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। और पास में एक माटवा सरोवर भी है, जो बहुत ही खूबसूरत है। पानी चलाई की टेम्परेचर भी जो है जितना मार्बल में पानी आने की मार्बल के नीचे मार्बल ठंडा रहेगा। अरे देखो मेन जैकेट आ तुम नोट में देखिए मेन थोड़ा अब बता दे चलिए मेन ये भी लाख है। ये सब बेल्जियम की वजह से, मतलब उस टाइम भी बेल्जियम से आता था। हाँ बनता है बनता है बेल्जियम में। 16 से 21 का है क्या? 16 से 21। ओके मीना राजा जय सिंह ने बनवाया था। उनके दो रानी थी, दो बेडरूम है, एक ये बेडरूम है और एक उधर। अच्छा और यहाँ जब मीटिंग होती थी और पर्दे लगाए जाते थे, पर्दे के पीछे जो रानियाँ देखी मीटिंग को सुनाई देता है। अच्छा जो राजमहल लगता था इसके अंदर लगता है और इसको दीवाने खास बोलते हैं। फिर तो आप देखते रहे गुलदस्ता सब डिजाइन है पीछों में निकलता नहीं चूना निकलता है तो निकालेगा बार बार से दफाएंगे। इसी मार्केट तो कल गए थे हम। चले देखिए ये माटवा सरोवर है और यहाँ से आप अगर वॉक करके जाना चाहते हैं तो 1.5 किलोमीटर वॉक करके भी जा सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी या जीप वगैरह भी यहाँ पर सुविधाएं हैं उससे भी जा सकते हैं। डायरेक्ट गेट के गेट तक गाड़ी जाती है, वहाँ से आप जा सकते हैं। जयपुर फोटो भी चले चले कि नहीं आएंगे तो यहाँ तक आना पड़ेगा। वॉक करके भी जा सकते हैं और जीप वगैरह गाड़ी वगैरह भी बुक करके आप गेट तक जा सकते हैं। ये आमेर फोर्ट का व्यू है, बाहर का व्यू है। देखिए कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है इसका। शूटिंग यही हुआ था नहीं? गाड़ी यहाँ पर पार्किंग करके भी आप वॉक करके जा सकते हैं।
तो पिक्चर में नहीं आता है कि कौन सा पिक्चर में आया था जो औरंगजेब का कोई आया था अम्बे हाँ यहाँ पे अम्बिके से महादेव जी का मंदिर है हमने गाड़ी से ये रास्ता तय किया और अभी हम गेट पे पहुँच किला का रेडियस कितना है तो ये पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये अरावली रेंज है हमने एक गवर्नमेंट के ऊपर दीवार बना रखी है ये पूरा अरावली में ऐसे दीवार 12 किलोमीटर है किला अंदर ये गांव में जो लोग रहते हैं ये जनरेशन टू जनरेशन यही रहते आ रहे हैं अच्छा पहले क्या 1000 साल पहले ट्राइबल लोगों का राज्य था ये राजपूत राजा मध्य प्रदेश से आए थे तो ट्राइबल लोगों ने युद्ध करके फिर साम्राज्य कायम किया तो बारमल की लड़की थी जोधाबाई उसकी शादी अकबर से छतरी बनी ये पैलेस में नहीं ये बाद में बना ये तो बता भारवन का बाद में जो उसका पोता हुआ मान सिंह उसने आंबेर महल को बनाने की शुरुआत की 137 साल में कंप्लीट 3 राजाओं ने मुझे बोल लगा मैंने इसको रावण हत्ता बोलते हैं रावण हत्ता अच्छा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने बजाया था बनाया था इसको प्रांगण होता है वो है 64 मीटर चौड़ा है और यह पूर्व की तरफ फेस करता है इस गेट के ऊपर सुहाग मंदिर है जिससे जो रानियां होती थी वो दीवाने आम पर जो भी फंक्शन होता था वहां देखती थी और ये सारा फ्रेस्को पेंटिंग से हो रखा है और देखिए ये कितना खूबसूरत ये है इसके जो 4 कोर्टयार्ड है 4 प्रांगण है इसमें अभी हम जहाँ पर है ये मेन गेट से अंदर की तरफ है ऊपर गणेश मंदिर भी है और ये सारा कुछ फ्रेस्को पेंटिंग से हो रखा है फ्रेस्को पेंटिंग वेजिटेबल से जो रंग आता है उससे वो पेंटिंग की जाती है और ये जो सामने जगह देखे थे उसमें ये जगह 27 स्तंभ है और ये है दीवाने आम और दूसरा प्रांगण है और यहाँ पर सारे मीटिंग्स वगैरह होती थी जो भी आम जनता की मीटिंग होती थी वो यहीं पर होती थी इसमें 27 इस तरह के स्तंभ बने हुए हैं राजा के पास जो भी मीटिंग करने आते थे आम जनता वो इसी यहाँ पर मीटिंग होती थी देखिए यह है वो जगह वो खास जगह और इसमें ऊपर हाथी के जैसा डिजाइन बना हुआ है ऊपर स्तंभ के ऊपर और इसके सामने ही है चौथा प्रांगण जो चौथा प्रांगण है वो महिलाओं के लिए बनाया गया था इसमें जिसको जनाना भी कहते हैं यहाँ रानियाँ रहती थी और उनके सर्वेंट रहा करते थे महाराजा मान सिंह के 12 रानियों के अभी जहाँ हम पर हम है वो है शीश महल और ये सबसे खूबसूरत पार्ट है इस कम्प्लीट हुआ जिस पर जयपुर की स्थापना की गई और उस टाइम भी बेल्जियम से आता था बनता है बनता है बनता है 21 का है क्या 16 से 21 ओके मीना राजा जय सिंह ने बनवाया था उनके 2 रानी थी 2 बेडरूम है एक ये बेडरूम है और एक उधर अच्छा और यहाँ जब मीटिंग होती थी और पर्दे लगाए जाते थे पर्दे के पीछे जो रानियाँ देखती मीटिंग को सुनाई देता अच्छा जो राजमहल लगता था इसके अंदर लगता है दीवाने खास बोलते हैं तो आप देखते रहे
कहीं भी फ्लावरपुर में सुराही है, गुलदस्ता, सब डिजाइन है, हैंड वर्क का काम है, चुनने का पीस है, तो चुना निकलता नहीं है, तो चुना निकलता है तो निकालेगा बार बार से दफाई में। और दीवाने खास वहाँ दीवाने हम लोकल पब्लिक के लिए बगैर यहाँ भी आई थी। देखिए अब हम सुख निवास की तरफ जा रहे हैं और ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं ये चंदन के लकड़ी से बना हुआ है और बीच का ये गार्डन है। देखिए ये सब चंदन की लकड़ी से बना हुआ दरवाजा है और बीच का गार्डन आप देख ही रहे हैं जहाँ पर राजा के परिवार के सदस्य रहते थे। ये नेचुरल वाटर कूलर है जिसमें ग्रीष्म ऋतु में ठंडक देती थी, इसमें पानी बहता रहता था और जिससे ग्रीष्म ऋतु में बहुत पानी रहता था। ये देखिए ये वो गार्डन है। ये वो वाटर कूलर है जिसमें सदस्य ग्रीष्म ऋतु में इसी में रहते थे और यहाँ से माटवा सरोवर बहुत ही खूबसूरत दिखता था। देखिए यहाँ पर जो जगह है यहाँ से रानियाँ दीवाने आम पे होने हो रही मीटिंग्स को देखती थी। सुख निवास के ऊपर ही दीवाने खास है जो कि अति विशिष्ट अतिथियों का है। आप शाम को चले जाना, छह बजे तो बंद हो जाता है। टाइम तो देख लो, दो तो बज गए, अब तीन बजे चार बजे बाद जाना। पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों के ऊपर ये दुर्ग बना हुआ है और जो कि बहुत ही खूबसूरत है। नहीं 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 आप थोड़े।